सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? और आई होप आप सब लोग कोड कर रहे होंगे, मस्त मज़े कर रहे होंगे कोडिंग कर करके। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खुद का ईमेल असिस्टेंट बनाने वाले हैं। अब दोस्तों, ईमेल असिस्टेंट बेसिकली करेगा क्या? वो आपके लिए ईमेल मेल सेंड करेगा लोगों को। जितना आप बैठ के कंपोज करते हो, सब्जेक्ट डालते हो, ईमेल आईडी डालते हो, मैसेज डालते हो, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। खाली आपको, जैसे हम लोग गूगल को बोलते हैं ना, या फिर एलेक्सा को बोलते हैं कि एलेक्सा ये काम कर दो, तो एलेक्सा हम लोग के लिए वो काम कर देती है, ईमेल सेंड करने वाला, या फिर कुछ भी हो गया एलेक्सा का सपोर्ट करती होगी, तो वैसी बातें सपोर्ट करती होगी। तो ठीक है, हम लोग आज जो है कि अपना खुद का असिस्टेंट बनाने वाले हैं, जो असिस्टेंट सेंड करेगा मेल। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको चाहिए तो आप अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हो ईमेल असिस्टेंट के नाम से। तो हम लोग चलो इसको करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ को करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग को, ठीक है, सब्सक्राइब करना है तो कर दो, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग को भी सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो SMTP कैसे मेल सेंड करता है। तो SMTP हम लोग देखते हैं, मेल सर्वर, और हम लोग एक बार गूगल पे देख लेते हैं। इमेज में आपको कुछ इमेज मिलेगा तो मैं आपको फटाक से दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, ये भी इमेज प्रॉपर है, यहाँ से सेंडर है, ये हम लोग हैं। हम लोग ने SMTP को यूज़ किया और इसके इसके थ्रू ऑब्वियसली बात है इंटरनेट तो चाहिए। वो इंटरनेट में से जाके, ये इसको छुपा दो, इंटरनेट नहीं, इसको हम लोग हटाई देते हैं हम समझने के लिए। यहाँ से SMTP से रिक्वेस्ट गया डायरेक्ट सर्वर पे, मेल सर्वर पे। अब वो मेल सर्वर क्या होगा? मेल सर्वर हम लोग बनाएंगे, SMTP भी हम लोग बनाएंगे, और वो मेल सर्वर चेक करेगा ईमेल है कि नहीं, फिर वो रिसीवर को सेंड कर देगा। अभी कैसे वर्क करता है चल हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को दोस्तों यहाँ पे आप नीड देख रहे हो, क्या क्या नीड है। SMTP का नीड है, इंटरनेट का नीड है, और मेल सर्वर का नीड है। इंटरनेट अपने पास है, SMTP भी नहीं है, और मेल सर्वर नहीं है। तो चलो फटाफट से हम लोग SMTP और मेल सर्वर को ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग SMTP को, SMTP LIB। और दोस्तों, अगर आपके पास बाय एनी चांस अगर आपके पास SMTP नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। देखो, SMTP LIB पाइथन, इतना लिख के आपको सर्च करोगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो हम लोग इंस्टॉल देखते हैं, इंस्टॉल पे जाते हैं। देखो, सिक्योर SMTP आ गया, ये वाले आपको खाली इसको कॉपी करना है और यहाँ से आपको टर्मिनल में आना है। टर्मिनल आपका ये वाला हो सकता है, आप पावर शेल को यूज़ कर सकते हो। पेस्ट करना है और एंटर हिट करना है। अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मुझे इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कुछ आता है एरर कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो आपको खाली मॉड्यूल अपना गूगल करना है, आपको पिप इंस्टॉल करके मिल जाएगा। यहाँ पे pip.org पे करो सर्च, या फिर कहीं पे भी गूगल पे करो, आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ईजी इंस्टॉल करना। और चाहिए तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा कैसे इंस्टॉल करना, मैंने तो वैसे थोड़ा सा बता ही दिया है वीडियो में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं SMTP LIB को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। बेसिकली इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम लोग उससे कुछ क्लासेस को, कुछ फंक्शंस को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको पूरा यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको पूरे को इंपोर्ट कर लिया है। अब दोस्तों, हम लोग को चाहिए ईमेल। अब ईमेल क्यों चाहिए मैं बताता हूँ क्यों चाहिए। email.message import email message। अब दोस्तों, हम लोग जब ईमेल सेंड करते हैं उसके अंदर होता है सब्जेक्ट, होता है मैसेज, होता है ईमेल आईडी, होता है अटैचमेंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग को चाहिए ईमेल मैसेज, जो हम लोग को अलाउ करता है एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में किसी को भेजने के लिए। एक फॉर्मेट जैसे ईमेल है, सब्जेक्ट है, मैसेज, ये सब एक फॉर्मेट्स है। और उसके मतलब एक मेल के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं उस चीज़ों के फॉर्मेट्स है, या फिर उसके इनपुट्स है। और SMTP LIB बेसिकली हम लोग को सर्वर बनाने में यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक सर्वर पहले बनाते हैं, सर्वर इक्वल टू SMTP LIB डॉट SMTP। अब हम लोग उसको बताना पड़ेगा कि हम लोग किससे भेजने वाले हैं। तो हम लोग SMTP से सेंड करने वाले थे, SMTP.gmail.com। अब दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, और TLS के पोर्ट्स अलग होते हैं, और SSL के पोर्ट्स अलग होते हैं। ये बेसिकली अलग अलग टाइप के हम लोग बोल सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स हैं जो यूज़ होता है अपने एनक्रिप्ट करने के लिए अपने ईमेल को। तो आपको जो भी आपको पोर्ट चाहिए, आप वो पोर्ट का यूज़ करके अपने ईमेल को एनक्रिप्ट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले 587 TLS को, जो कि TLS में यूज़ होता है बेसिकली। तो हम लोग server.start TLS, ये सर्टिफिकेट को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर भाई, ये अभी हम लोग ने इतना कर लिया। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या बना लिया है देखो, मैं यहाँ सबको समझाता हूँ। हम लोग ने सर्वर बना लिया, मेल सर्वर, हम लोग ने SMTP से हम लोग ने कनेक्शन बना लिए। अब बचा क्या है? अब बचा है अपना लॉगिन। जब तक हम लोग लॉगिन नहीं करेंगे तब तक उसको समझेगा कैसे कि कौन सा बंदा भेज रहा है या कौन सा बंदी भेज रही है, जो भी है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग एक बना लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो हम लोग पहले मेल बना लेते हैं, server_email। तो मैं फटाफट से मेरा ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है कि मेरा ईमेल और पासवर्ड डाल दिया हूँ, और अब देखते हैं अभी हम लोग लॉगिन करके ट्राई करते हैं वो लॉगिन होता है कि नहीं। सर्वर डॉट लॉगिन, हम लोग ने लॉगिन तो फंक्शन लगा लिया है, लेकिन उसको हम लोग को पास करना पड़ेगा दो चीज़, एक होता है ईमेल आईडी और एक होता है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर दोनों को पास कर देता हूँ, ईमेल और सर्वर लॉगिन पासवर्ड। अब दोस्तों हम लोग इसको रन करके देखते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग ठीक है उसको फिक्स करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर है, अपना काम है कुछ प्रॉब्लम आता है फिक्स करते हैं। आ गया प्रॉब्लम, SMTP ऑथेंटिकेशन एरर। अब दोस्तों बेसिकली एरर कब आता है कि जब आपका लॉगिन वो नहीं कर पाता है। अब वो क्यों नहीं लॉगिन कर पा रहा है इसका मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा जो जीमेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि वो हमारा गूगल का प्रोडक्ट है, तो हम लोग को गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा कोई स्क्रिप्ट बनाने वाला हूँ, या फिर हम लोग गूगल को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि गूगल भाई तू मेरे को तू किस अलाउड कर जिसके पास भी मेरा ईमेल और पासवर्ड है वो कौन से भी सर्वर से लॉगिन करके वो किसी को भी मेल भेज सकता है। तो हम लोग इसको गूगल को हम लोग को अलाउ करना पड़ेगा, आई मीन गूगल से हम लोग को अलाउ लेना पड़ेगा जो भी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, मैनेज गूगल अकाउंट में जाने के बाद में सिक्योरिटी में जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में ही आ जाता है ना। और यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन बंद रखना है, यूज़र फोन टू साइन इन को भी बंद रखना है, और यहाँ पे लेस सिक्योर ऐप एक्सेस इसको आपको कर लेना है टर्न ऑन। अब दोस्तों इससे क्या होगा, बेसिकली हम लोग जो एरर आ रहा था वो एरर चले जाएगा, क्योंकि उसको भी वो भी उसको अलाउ मिल जाएगा कि वो कौन से भी स्क्रिप्ट से कोई भी लॉगिन कर सकता है, ऐसा गूगल अलाउड कर देगा कि भाई तू कर सकता है, लेकिन हम इसके कोई गारंटी नहीं लेते। कुछ हुआ तो भाई तू देख लेना, ऐसा मतलब गूगल कहता है, लेकिन हम लोग को मालूम है ना हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोगों ने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे हो रहा है लॉगिन, क्योंकि देखो प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड जीरो, कोई एरर भी नहीं आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो हम लोग फटाक से दोस्तों एक मेल सेंड करके देखते हैं कि क्या मेल हो मैं क्या मेल सेंड हो रहा है वो। तो फटाक से हम लोग लिख लेते ई मेल इक्वल टू ई मेल मैसेज। अब हम लोग क्या करते हैं ई मेल के अंदर फ्रॉम किसकी तरफ से भेजना है, तो अपना ये वाला बंदा है, ये वाला बंदा मेल भेजना चाहता है ना, मतलब ये अपना ये वाला ईमेल आईडी भेजना चाहता है, तो सर्वर अंडरस्कोर लॉगिन मेल। ईमेल टू किसको भेजना है, तो यहाँ पे मेरा तो रोहन प्रजापति प्रजापति 7860@gmail.com। ठीक है, अब हम लोग को उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए तो हम लोग को ये भी बताना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट क्या होना चाहिए बताना पड़ेगा। तो हम लोग सब्जेक्ट में लिख लेते हैं हाय दिस इज सब्जेक्ट फॉर टेस्ट पर्पस, हम लोग ऐसा कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ईमेल डॉट, अब मैसेज में क्या होना चाहिए, तो हम लोग को इसको सेट कंटेंट करना पड़ेगा मैसेज, यहाँ पे हम लोग सेट कंटेंट करके कॉल करते हैं और उसके अंदर हमको मैसेज को पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाय दिस इज मैसेज, और मैं इसके आगे इतना तो लिखूंगा नहीं, हम लोग प्रोग्रामर काफ़ी आलसी होते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसके आगे लिख लेने वाले। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना नहीं समझा वीडियो थोड़ा बैक कर सकते हो, और एल्स मैं लास्ट में रिकैप दे दूंगा। तो ईमेल अब हम लोग को सेंड करना है, तो ऑब्वियसली बात है सर्वर हम लोग किससे भेजेंगे, सर्वर से हम लोग मेल भेजेंगे ना, हम लोगों ने मेल का फॉर्मेट बनाने के लिए ईमेल मैसेज मॉड्यूल का यूज़ किया। अब यहाँ से हम लोग को मेल जब सेंड करना है तो ऑब्वियसली बात है सर्वर से सेंड होने वाला है, तो सर्वर डॉट सेंड मैसेज, और यहाँ पर हम लोग ईमेल को पास कर देंगे इसको। अब देखते हैं हम लोग इसको रन करके, आई होप कोई एरर ना आए, अगर वो आता है देन वी विल फिक्स इट और सॉल्व इट। तो यहाँ पे दोस्तों देखो एग्जिट कोड जीरो आया, मतलब कोई भी एरर अपने को यहाँ पे फिलहाल के लिए नहीं आया है। तो हम लोग फटक से मेरा दूसरा वाला आईडी को ओपन कर लेते, यहाँ पे दोस्तों देखो आ गया हाय दिस इज सब्जेक्ट हाय दिस इज मैसेज। दोस्तों अभी अपने को जो है कि मेल आना चालू हो गया है, मेल अच्छे से सेंड हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को स्पीच रिकॉग्निशन का हम लोग को यूज़ करना है। स्पीच रिकॉग्निशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अपनी आवाज़ को सुन सकता है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग इस चीज़ को हम लोग फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं, जिससे हम लोग को खाली फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और कुछ पैरामीटर्स को पास करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो भी है मेल भी सेंड कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं डेफ और सेंड अंडरस्कोर ईमेल, और ये लेगा किसको किसकी तरफ से भेजना है, तो एक सेंडर होगा और एक रिसीव करेगा, तो हम आर ई लिख देते हैं खाली, और रिसीव आर ई सी लिख देते हैं रिसीव करने के लिए, और एक सेंडर होगा रिसीवर होगा और एक सब्जेक्ट होगा और एक मैसेज होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं पूरी चीज़ों को। अब यहाँ से फ्रॉम में हम लोग इसको चेंज कर देंगे,
ये हो जाएगा अपना सेंडर। एक काम करते हैं, हम लोग सेंडर को रिमूव कर देते हैं क्योंकि अपने को सेंडर की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को यहाँ पे एक सर्वर लॉगिन मेल है अपने पास, तो हम लोग इससे करते हैं। और टू के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं रिसीवर को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रिसीवर का नाम, ये रिसीवर को डाल देते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो अपना होने वाला है वो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो अपना मैसेज होने वाला है वो यहाँ पे हो जाएगा मैसेज। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग फंक्शन को हम लोग कॉल करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम प्रोग्रामर है, हम लोग बार बार चेक करते हैं, पता नहीं क्यों, सब कुछ करेक्ट होने के बाद भी, ठीक है, देख लेते हैं ना, अगर रॉन्ग हो जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। gmail.com। अब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट डाल देते हैं हाई, और हम लोग पास सॉरी आई मीन मैसेज डाल देते हेलो हेलो रोहन हियर, नहीं को हम लोग अपने चैनल का नाम देते कोड टेरा हियर। जिसको नहीं याद आता भाई याद कर लो कोड टेरा, ठीक है, कोड टेरा हियर, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से रन करके देखते हैं, देखते हैं, आई होप सेंड कर देना चाहिए मैसेज, आई मीन मेल। और यहाँ पे आ गया, मेल आ गया। अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको हम लोग बार बार कॉल करने का, क्योंकि बार बार ऐसे, अब हम लोग क्यों ट्राई करें मेरे को भी नहीं मालूम, देख लेते थोड़ा सा करके। आई थिंक ये भेज रहा है कि करके, तो उसके लिए यहाँ पे टाइम लगा है, भेज दिया, लगता है चारों के चारों मेल आ जाएंगे। हाँ आ गए, देखो यहाँ पांच आ रहा है, पांच इसके लिए आ रहा है क्योंकि एक अभी जो सेंड किया और चार इसके पीछे आया, ठीक है। तो हम लोग का ये वर्क कर रहा है अच्छे से, तो मतलब हम लोग ने अच्छे बना लिया है सेंड मेल को। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बारी आती है स्पीच रिकॉग्निशन को यूज़ करने की, जो सबसे फेवरेट है और सबसे बेस्ट चीज़ है यार, उससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, क्या स्पीच रिकॉग्निशन के साथ में आप बहुत कुछ बना सकते हो, खाली क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने स्पीच रिकॉग्निशन को, इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन एस एस आर, ठीक है, हम लोग एस एस आर हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इतना होने के बाद में अगर आपके पास स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल नहीं दिखा रहा है तो वही सेम चीज़ गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा वो पिप इंस्टॉल करके, और एल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली पिप वाले कमांड को कॉपी पेस्ट मार लेना अपने पावर शेल में, टर्मिनल में, और मस्त मज़े मारना, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा लिसनर, लिसनर जो सुनने वाला है, मतलब अपना माइक्रोफोन हम लोग उसको चालू करना है, LISSR.recognizer। अब ये रिकॉग्नाइजर क्या है मैं आपको बताता हूँ, लिसनर मतलब क्या होता है, जो सुनता है, जो लिसन करता है, और रिकॉग्नाइजर मतलब जो रिकॉग्नाइज करता है, जो समझता है, तो वो सुनेगा समझेगा, उसका अपने कुछ बने बनाए फंक्शंस है और हम लोग उसका खाली यूज़ करेंगे और फिर अपना असिस्टेंट बनाएंगे। अब हम लोग ने दोस्तों यहाँ पे लिसनर बना लिया है, अब हम लोग एक फंक्शन बनाते जो अपनी बातें सुनेगा, बेसिकली फंक्शन नहीं करते हम लोग, ट्राई करके देखते हैं। अभी हम लोग ट्राई क्या करेंगे कि उसको माइक्रोफोन से हम लोग सुनने की ट्राई करेंगे, तो विथ एस आर डॉट माइक्रोफोन एस सो योर सोर्स। अब हम लोग इसे एस सोर्स ले लेंगे, हम लोग देखो हम लोग प्रोग्रामर अपने को मालूम है कि अभी आगे क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट लिसनिंग, क्या वो बंदा अभी सुन रहा है। अभी दोस्तों हमने लिसनर बनाया था जो कब से सुनने का काम कर रहा था, अब वो सुन रहा है तो अपने उसको बताना भी चाहिए अपने को कि वो क्या सुन रहा है और कैसे सुन रहा है। तो वो देखो यहाँ पे एस आर विथ माइक्रोफोन का मतलब क्या हुआ कि वो माइक्रोफोन से सुन रहा है बंदा, मतलब अपना लिसनर, और वो उसको वॉइस हम लोग को चाहिए होगा, तो वॉइस इक्वल टू लिसनर डॉट लिसन, लिसनर डॉट लिसन सोर्स। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने माइक्रोफोन को बोले कि हम लोग माइक्रोफोन, हम तेरे को माइक्रोफोन से नहीं बुलाना चाहते, हम लोग तेरा नामकरण कर डालेंगे, और हम लोग एस सोर्स मतलब हम लोग अभी देखो नाम, हम लोग सोर्स के नाम से अभी तेरे को बुलाएंगे, तो हम लोगों ने इसे एस सोर्स ले लिए। अब हम लोग फिर बाद में लिसनर बोलेगा कि भाई मैं कब से तो बैठा हूँ, तुम लोगों ने तो मेरे को बताया नहीं मेरे को कैसे सुनना है, कौन से सोर्स से सुनना है, तो हम लोगों ने इसको बोला ठीक है भाई हम लोग अभी तेरे को बताते हैं। उन्होंने वॉइस इक्वल टू लिए कि भाई आवाज़ जो होने वाली है, लिसनर डॉट लिसन, जो लिसनर हम लोगों ने ऊपर बनाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया वो लिसनर जो कब से बैठा हुआ था खाली, अभी हम लोगों ने उसको काम पे लगा दिया है, तो लिसनर डॉट लिसन, तो लिसनर को हम लोग बोलेंगे कि भाई तू सुन, सोर्स को सुन, जो तेरे को मैंने सोर्स दिया है, क्या सोर्स दिया, माइक्रोफोन, मतलब तेरे को जो भी तुझको ऑडियो सुनना है वो तेरे को माइक्रोफोन से सुनना है,
क्योंकि अभी ये माइक्रो, आप बोलोगे क्या ये क्या फालतू की रही कि माइक्रोफोन से तो सुनेगा और क्या, नॉर्मली ऐसे थोड़ी ना सुनेगा। तो दोस्तों ऐसा होता है कि लैपटॉप में माइक्रोफोन ख़राब हो और कोई लेजेंड लोग हो जो लोग ने माइक्रोफोन को निकाल के रखा हो, अब क्या मानो हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग इसको रखते हैं। हो सकता है कि किसी ने दो दो माइक लगा के रखा हो, मतलब एक होता है ना एक्सटर्नल इंटरनल, और कोई को हो सकता है अलग अलग माइक उसका, तब देखो अपना वो अलग एक्सेप्शन से हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो हमने ये तो कर लिया। अब दोस्तों वो लिसन तो कर रहा है, लेकिन कुछ तो एपीआई चाहिए ना कि वो उसको वर्ड में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे गूगल बोलता है कि आओ भाई मेरे पास, तुम लोग आओ, मैं तुम लोगों को एपीआई देता हूँ जिसे तुम लोग वर्ड में उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, आई मीन सेंटेंस में। जो हमारे लिसनर होने वाले, हम लोग लिसनर को क्या बोलेंगे, गूगल भाई लिसनर तू क्या कर, रिकॉग्नाइज कर। किसके मदद से कर, गूगल की मदद से कर, क्योंकि हमारा गूगल बहुत अच्छे से समझ सकता है। बाकी जो है आलतू मतलब अच्छे है, लेकिन गूगल अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो सुनना तो है, किसको सुनना है, वॉइस को सुनना है। अब दोस्तों हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रिंट इन्फो। और अगर वो नहीं वर्क कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट। हम लोग इसको कर देते हैं प्रिंट नॉट वर्किंग, ठीक है। कुछ भी अगर एरर आएगा तो प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, नॉट वर्किंग में। सब्सक्राइब नाउ, अब हम लोगों ने दोस्तों को सब्सक्राइब नाउ बोल के देखे, तो दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो अब अपने अपने लिए ताली बजा सकते हो, कमेंट में जा सकते हो, वहाँ पे शाबाशी, अब खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हो कि हम लोग ने जो भी माइक्रोफोन से आ रहा था इनपुट, हम लोगों ने उसको वर्ड में कन्वर्ट, हम लोगों ने उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके देखा है। तो ये आप लोग के लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं भी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। गिफ्ट अभी नहीं, गिफ्ट अभी मिल जाएगा, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो यार। अब दोस्तों हमने इसको, हमने प्रिंट कर लिया, आपने को ये मिल भी रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको डॉट लोअर कर देते हैं। अब डॉट लोअर से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों हो सकता है कि जो जो भी हम लोग का आउटपुट आ रहा है वो इसमें आ जाए, क्या वो फर्स्ट उसका लेटर कैपिटल हो जाए, और हो सकता है वर्ड कैपिटल हो जाए, फल वर्ड तो नहीं होगा, जैसे लेटर लेटर कैपिटल हो जाए, तो हम लोग उसमें कंडीशन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए लोअर कर देंगे कि भाई देख सब कुछ ही लोअर हो जाएगा, अब कोई टेंशन की बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने ये सब तो कर लिया, वो प्रिंट भी प्रॉपर कर रहा है, लेकिन वो एक ही बार सुन रहा है, बार बार नहीं सुन रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसको एक फंक्शन में ले लेते हैं, डेफ स्टार्ट, ठीक है। अब ये डेफ स्टार्ट के अंदर हम लोग ले लेते हैं, और इसको हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं। अब ये क्या काम करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, ये अपने को रिटर्न करेगा, रिटर्न इन्फो, ठीक है। अब ये बार बार सुनना चाहिए, वाइल ट्रू और स्टार्ट, वेलकम टू कोड टेरा, आई थिंक अब सुनना चाहिए, नहीं सुन रहा है। अच्छा हाँ, हम लोग ने तो रिटर्न ही किया है, हम लोग ने इसको प्रिंट का किया है, यही तो दिक्कत हो गई है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो ठीक कर लेते हैं थोड़ी बहुत दिक्कत को। वेलकम टू कोड टेरा, वेलकम टू कोटा 13, अरे भगवान। ऐसा ये देखो, ये लिसनर है ना, ये गूगल का लिसनर है, और बेसिकली ये बना है इसके लिए, और अपनी इंग्लिश तो अपने को शायद इसको समझ में ना आए, क्योंकि अपने फ्लो अलग चलता है, बाहर देश के फ्लो का अलग चलता है, तो हो सकता है कि वो वाला फ्लो अच्छा समझे। तो अगर इसको ये फ्लो समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि भाई हम लोग इंडिया वाली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है बोल, मतलब जो फ्लो होता है इंग्लिश का वो अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको इंडिया वाली इंग्लिश को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हम लोग का यहाँ लिखना है लैंग्वेज ENI, मतलब इंग्लिश तो होगी लेकिन कौन सी होगी, इंडियन वाली होगी। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं, अब हमें उसको कुछ मस्त बोलते हैं जिससे हर यूट्यूबर का दिल खुश हो जाता है। सब्सक्राइब टू कोड ठहरा, आई डोंट थिंक इसको ठहरा समझ में आएगा कि नहीं, कोड एरर आ गया, ठीक है कोई नहीं ना, ना हम लोग इतना ही बोलते हैं, सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो देखो ये
इसने प्रेस बेल आइकन को भी सुन लिया है, वो स्टार्टिंग का नहीं सुना क्योंकि तभी वो रेडी नहीं हुआ था, तब हम लोग ने इसको बोल दिया ठीक है अभी हम लोग का मतलब स्टार्ट वाला भी वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या काम करते हैं, इससे हम लोग ने इतना तो बना लिया, अब हम लोग को उसको ईमेल भेजना है, तो उसके लिए उसको पूछना पड़ेगा कि भाई अपना ईमेल डालो और अपना जो भी है अपना मैसेज बोलो, तो अपना कोड यहाँ पे बोलने वाला है। तो हम लोग क्या काम करें, हम लोग अभी माइक से हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग बोल नहीं रहे, अपना कोड अभी बोल नहीं रहा है, अभी हम लोग को उसको बोलना बताना है कि भाई तेरे को कैसे बोलना है, तो फटाफट से हम लोग उसको ये भी बता देते हैं। तो हम लोग के लिए इसको यहाँ पे यूज़ करना है टेक्स्ट टू स्पीच, तो मैं आपको दिखाता हूँ पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच, तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारा मिल जाता है, तो देखते हैं अपने पास कौन सा अच्छा है, ये वाला है। अभी देखो पिप इंस्टॉल भी आ गया यार, डायरेक्टली कॉपी मार लेना पेस्ट कर लेना ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको मिलेगा इंपोर्ट, तो हम लोग यहीं से हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप लोग भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं कोड में, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो लिखना ज़्यादा लिखा करो यार ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट इसको ये ले लिया, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, नो मॉड्यूल, ओ माय गॉड इसको मॉड्यूल नहीं मिला है, जाते हैं और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग भी कर सकते हो। हम लोगों ने इंपोर्ट तो कर ही लिया है, अब हम लोग इसको एक बार इंजन को हम लोग इंजन को देखो इनिट करके देखते हैं ठीक है। अपना इंजन है यहाँ पे, हम लोग उसको इनिट करते हैं ठीक है। अब इंजन रन एंड वेट, तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं से करके, डेफ हम लोग इसको टॉप साइड में बनाते हैं, ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बना लेते हैं से, और ये अपना से ये क्या बोलेगा, हम लोग टेक्स्ट लेगा और उसके बाद में यहाँ से वो टेक्स्ट को बोलेगा ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो वाइल्ड ट्रोल उन्होंने लगाया है इसको उड़ा देते और से बोलते हैं सब्सक्राइब टू कोड टेरा, तो दोस्तों ये वाला एरर को फिक्स करने के लिए आपको बेसिकली जाना है अपने पाइथन के अंदर से इंटरप्रेटर सेटिंग, और आपके जो भी पैकेजेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे, पैकेजेस कह लो मॉड्यूल कह लो ठीक है। यहाँ से हम लोग को numpy में जाना है। अब दोस्तों इसके ये है ना वर्जन्स की वजह से सब प्रॉब्लम होता है, और इसको बेसिकली मैं भी बहुत पागल हो गया था इसको फिक्स करते करते एक्चुअली, जब मुझे जब फर्स्ट टाइम ही एरर आया था, अब ये तो सेकंड टाइम आया है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो numpy के ऊपर आपको डबल टैप करना है, यहाँ से आपको स्पेसिफाई वर्जन करना है, आपको उसको बताना है कि कौन सा चाहिए, हम लोग को लेना चाहिए 1.19.3 ठीक है। अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद ठीक है ये इंस्टॉलेशन लेगा, और देखते देखो नीचे साइड में देखो इंस्टॉल हो रहा है वो 1.193। बेसिकली दोस्तों ये सब ज़्यादा इश्यूज वर्चुअल इन्वायरमेंट में आता है, मैं जो है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा हूँ, और आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग को वर्चुअल में करना है या फिर डायरेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पॉपअप दिख रहा होगा कि पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली और 1.19.3 ये वाला जो है कि अपना इंस्टॉल हो गया है, रन करके देखते हैं अभी एरर नहीं आना चाहिए। तो आपने सुने दोस्तों क्या मस्त आवाज है ना, सब्सक्राइब टू कोड टेरा मस्त वाला, तो यहाँ पे मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ठीक है। ये वाला हमने एक से वाला बन गया कि बंदा बोलना सीख मतलब बोल पा रहा है ठीक है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है करने के लिए कोड, और आई होप आप लोग को भी बहुत मज़ा आता होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग वॉइस भी बता सकते हैं, उसको स्पीड बता सकते हैं, बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको अलग अलग वॉइस करना है। अब दोस्तों हम लोग को इंजन बनाना था, हम लोग फटाफट अपना असिस्टेंट बनाया था, असिस्टेंट बना लेते, ये सब काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ से हम लोग ये जो स्टार्ट वाला है, हम लोग एक डेफ स्टार्ट बन गया जो रिटर्न करता है हम लोग क्या बोल रहे हैं, और एक ये भी बन गया, सेंड भी हो रहा है, बंदा बोल भी रहा है, तो जैसे ही चालू होगा तो एक वो बोलेगा कि हेलो सर हाउ, यहाँ पे कॉमा लगा देते ठीक है, वो थोड़ा मतलब बीच में रुकेगा, हाउ कैन आई हेल्प यू ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं हाउ कैन आई कॉल यू, माय नेम इज कोड, कोड हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग कोड असिस्टेंट
ईमेल असिस्टेंट, ईमेल असिस्टेंट बेटर है, या फिर माई सेल्फ ईमेल असिस्टेंट। ठीक है, हम लोग उसको रन करते हैं। Hello sir, how can I help you? Myself email assistant. So आवाज़ सुने क्या तगड़ी आवाज़ आई एकदम मस्त वाली। तो अगर आपको उसको दूसरी वॉइस करना है, लड़की लोग की वॉइस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। आप जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो बेसिकली। और यहाँ पे वॉइसेस देखो, वॉइसेस के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी अलग अलग। ये देखो इंडेक्स चेंज करने के लिए फॉर मेल और फॉर फीमेल। अब मैं इसको फीमेल की वॉइस में अगर बनाना चाहूँ तो मैं ये वाले कोड को उठाता हूँ और यहाँ पे इंजन जो है अपना, ये जस्ट इंजन के बाद में मैं कर देता हूँ। तो ये वॉइसेस वाला नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से वॉइसेस भी ले लेते हैं। वॉइसेस अब दोस्तों हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे फीमेल की वॉइस आनी चाहिए। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मायसेल्फ ईमेल असिस्टेंट। तो देखिए अपने यहाँ पे लड़की की आवाज़ है, तो अब देखो ये बोल भी रही है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो बेसिकली फंक्शन क्या काम करेगा, वो ये हेलो सर आपने जो भी है वो तो बोल तो दिया, लेकिन वो फंक्शन सुनेगा, फिर सुनने के बाद में काम करेगा। तो डेफ व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है। ठीक है, ज़िंदगी में तो क्या करना है, अपने को प्रोग्राम करना है। तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम क्या करना चाहता है, हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो प्रोग्राम लेसन करेगा, और यहाँ पे लिसन के लिए हम लोग ने स्टार्ट बनाया फंक्शन, तो स्टार्ट नहीं, हम लोग यहाँ पे लिसन कर देते हैं। लिसनर, लिसनर किसी इसके साथ मैच तो नहीं कर जाना चाहिए फंक्शन में, तो हम लोग उसका नाम अलग कर देते हैं, असिस्टेंट लिसनर। चलो असिस्टेंट अंडरस्कोर लिसन, ठीक है, कुछ भी नाम रख दिया यार, छोड़ो जाने दो, नाम से क्या काम से मतलब, असिस्टेंट लिसनर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट क्या कहना चाहता है, तो हम लोग देखते हैं असिस्टेंट क्या कहना चाहता है, तो लिसन इक्वल टू असिस्टेंट लिसनर। तो आई थिंक अब यहाँ पे ये आ गया है, वो रिटर्न भी करेगा। तो अगर इफ सेंड मेल इन, सेंड नहीं राइट मेल, ठीक है, राइट मेल इन लिसन, देन प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा वो, जो भी उसने लिसन क्या करेगा वो चेक करेगा कि राइट मेल जो भी हम लोगों ने बोला है वो उसके ना राइट मेल करके हम लोगों ने क्या कोई वर्ड बोला है, कोई सेंटेंस बोला है, तो वो चेक करेगा। तो हम लोग इसको फटाक से यहाँ पे रन करते हैं, व्हाट टू डू, और फिर रन करके देखते हैं। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? Myself, तो दोस्तों आपने सुने कैसा बोले, तो हम लोग लिखते हैं इसको असिस्टेंट राइट मेल, हमने इसको राइट मेल बोला है, तो देखो उसने असिस्टेंट राइट मेल, राइट मेल था इसके लिए उसने प्रिंट किया, अगर नहीं होता तो फिर वो नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको ऐसा करते हैं कि हमारा जो असिस्टेंट है अगर हम उसे बुलाए तभी सुने, वरना ना सुने, नहीं तो ऐसा रहेगा तो बार बार बंदा तो सुनता ही रहेगा, कुछ मतलब बनेगा ही नहीं। तो इफ असिस्टेंट इन लिसन, मतलब अगर असिस्टेंट है लिसन में तो फिर ये वाले कंडीशन के अंदर जाए। ठीक है, अब इसके अंदर फिर चेक करेगा, ठीक है असिस्टेंट तो मिल गया, राइट मेल है क्या उसके अंदर, तो ढूंढेगा, अच्छा राइट मेल भी है, मतलब बंदे को मेल सेंड करना है। तो हम लोग बेसिकली मेल के लिए बना रहे, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसका कंडीशन नहीं होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं से टू हुम यू Want to send mail, ठीक है। अब उसके बाद में वो क्या काम करेगा, हम लोग यहाँ पे फिर से उसको लिसनर लगाएंगे, वापिस से सुनेगा वो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल इक्वल टू असिस्टेंट अंडरस्कोर लिसनर, फिर उसमें वापिस से बोलेगा कि वॉट यू वॉन्ट टू बी सब्जेक्ट। अब फिर में वापस से हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट इक्वल टू असिस्टेंट अंडरस्कोर लिसनर, सब्जेक्ट को भी लिसन कर, मतलब एक और बार फिर में वो लिसन करना चालू कर देगा, न्यू पूरे नए से शुरुआत आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस उसको बोलेंगे कि भाई अब उसको पूछ कि मैसेज क्या चाहिए, तो वॉट शुड बी
मैसेज, या फिर हम लोग लिख सकते हैं व्हाट यू वांट टू बी द मैसेज, वॉट एवर हम लोग यहाँ, छोड़ो यार इतना ज़्यादा ग्रामर में नहीं घुसते, हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। अगर ग्रामर गलती हो गई तो माफ़ करना, अपने दिल को साफ करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मैसेज इक्वल टू मैसेज अपना क्या होगा, हम लोग ऑफिस को लिसन कराएंगे असिस्टेंट को, असिस्टेंट सुन ले भाई तू, और एक बार इतना काम हो जाए तो फिर वो सेंड कर दे बेसिकली मैसेज। लेकिन लेकिन अभी देखो, अब दोस्तों अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरा ईमेल आईडी क्या है, rohanprajapati760@gmail.com, तो क्या वो लिसन कर पाएगा प्रॉपर? नहीं, थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर बाद में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नेम क्या है रोहन, सर नेम क्या है प्रजापति, फिर आगे क्या है 7860, ये क्या है नंबर है। अब दोस्तों ये हो सकता है कि आपने थोड़ा सा स्लो बोले, तो हो सकता है कि तीनों के बीच में गैप बना दे वो, और गैप बनाने की वजह से आपको मालूम है कि ईमेल आईडी क्या होता है, ईमेल आईडी के बीच में स्पेसिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे स्पेसिंग क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से कोई ईमेल आईडी फाइंड ही ना हो, एरर हो। ये तो अपना, ये तो एक्सेप्शन हो गया, तो ये तो गलती हो गया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई बंदा ऐसे ऐसा बोलते नहीं बैठेगा कि भाई rohanprajapati780@gmail.com को अपने को मेल भेजना है, या फिर codeterra@gmail.com को अपने को मेल भेजना है, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा वो, डायरेक्ट बोलेगा कि मेरे को मेल सेंड करना है रोहन को, मेरे को मेल सेंड करना है जैसे कोई सब्सक्राइबर एलेक्सा को, मेरे को मेल सेंड करना है गूगल को, मेरे को मेल सेंड करना है फेसबुक को। वो पूरा ईमेल आईडी तो नहीं याद करेगा, google@google.com व्हाटएवर जो भी उसका ईमेल आईडी है, फेसबुक का जो भी है, इतना तो कोई याद नहीं करने वाला है। तो ये चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, ये चीज़ को कैसे ईजी बनाया जाए, तो मैं अभी आपको वो बताता हूँ, बहुत ईजी है। तो हम लोग को इसके लिए बनाना पड़ेगा डिक्शनरीज, उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा क्या डिक्शनरीज। डिक्शनरीज क्या होती है, डिक्शनरीज में की होती है एक वैल्यू होती है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। कॉन्टैक्ट इक्वल टू, ये अपनी डिक्शनरी होगी। अब अपना क्या है रोहन, रोहन का ईमेल आईडी क्या है rohanprajapati780@gmail.com, ठीक है, ये मेरा एक ईमेल आईडी है। अब हमने इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा सा टेम्प मेल में, बेसिकली क्या होता है कि एक टेम्प्रवरी ईमेल होता है, तो हम उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये वीडियो को टेम्प मेल ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बंदे का क्या नाम, हम लोग इसको चलो कॉल करते हैं, क्या कॉल करते हैं हम लोग इसको बोलते कि भाई यूट्यूब है, तू बंदा समझ जाए क्यों यूट्यूब है। यहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो एरर आएगा। कॉन्टैक्ट हो गया, अब हम लोग इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। और ये जो रिटर्न कर रहा है वो लोअर करके रिटर्न कर रहा है। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो है ईमेल असिस्टेंट जो उसने लिसन किया है, ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ईमेल डायरेक्टली तो नहीं आएगा, ये वाला हम लोग उसको हटाते हैं, और कॉन्टेक्ट में से ऐसा, मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। अगर वो बोलेगा रोहन, हाँ वो पूछेगा भाई ईमेल आईडी कौन सा है, तो बोलेगा भाई रोहन, तो यहाँ पे देखेगा कॉन्टैक्ट में रोहन है क्या, मिला सो रोहन, रोहन का ईमेल आईडी क्या है, rohanprajapati780@gmail.com, फिर मैंने बोला यूट्यूब, तो देखेगा कॉन्टैक्ट में यूट्यूब है क्या, देखा यूट्यूब है, फिर उनमें क्या है जो भी है @kakokhidal.com, ठीक है। हम लोग अभी इसका यूज़ करेंगे, ये वाला हम लोग का हो गया, और उसके बाद में वो क्या काम करेगा, सेंड कर देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं तो करके रखा है ना कमेंट, देखिए दोस्तों कमेंट ऐसे यूज़ आता है, कमेंट करके रखने का अपने कोड को, फिर इजी होता है सेंड करने में, कोड करने में, कॉपी पेस्ट मार लिया ना फटाक से। यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, ईमेल पास करेंगे, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। होने के बाद वापिस से बोलेगा मेल सेंड, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, हो गया ना, बहुत इजी था ना कोड, समझ में आ गया रे। व्हाट टू डू मतलब उसको क्या करना है, उसको खुद को नहीं पता उसको क्या करना है भाई। तो फिर वो व्हाट टू डू वाला फंक्शन चलेगा, तो वहाँ पे लिसन करेगा, असिस्टेंट को बोलेगा अरे असिस्टेंट जरा अपने अभी कान को अच्छे से खोल ले, अभी मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो असिस्टेंट बोलेगा ठीक है भाई तुम बोलो, तो अगर तुम मेरा नाम लोगे तब जाके मैं सुनूंगा, वरना मैं नहीं सुनूंगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाया इफ़ असिस्टेंट इन लिसन, मतलब असिस्टेंट अगर उसने बोला है यूज़र ने तो उसके अंदर क्या होगा। फिर हमें देखेंगे इफ़ अगर उसने बोला राइट मेल, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि लिसन कर रहा है, फिर अगर लिसन के अंदर राइट मेल है कि नहीं, तो फिर बाद में ये वाला एग्जीक्यूशन चालू होगा। तो हम उसको वाइल लूप में डाल देते हैं, वाइल ट्रू,
अब हमें उसको रन करके देखते हैं। आई होप वी आर ना आए। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? माय सेल्फ ईमेल असिस्टेंट। असिस्टेंट राइट मेल। टू व्होम यू वांट टू सेंड मेल? रोहन। व्हाट यू वांट टू बी सब्जेक्ट? हेलो रोहन, हाउ आर यू? व्हाट शुड बी द मैसेज? रोहन, तूने चैनल को सब्सक्राइब किया क्या, कोड टेरा को? आई थिंक उसको हिंदी समझ में नहीं आई। ईमेल सेंड सक्सेसफुली। ओह माय गॉड, ईमेल सेंड कर दिया। देखते टेम्प मेल, नहीं टेम्प मेल पे नहीं आया, इधर। ओह देखो देखो देखो, आया ना, तूने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? किया क्या, कोड टेरा को? अरे यार टेरा को क्या मालूम, ये मैं शायद मैं ही रॉन्ग प्रोनाउंस करता हूँ मेरे चैनल का नेम, या फिर गूगल को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं और क्या है। दोस्तों यहाँ पे अपना असिस्टेंट बन चुका है, बहुत ही बढ़िया असिस्टेंट बना है, और इसे हम लोग जो है कि अभी यूज़ करके हम लोग टेस्ट करके देखते हैं और रन करते हैं। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? माय सेल्फ ईमेल असिस्टेंट। असिस्टेंट सेंड राइट मेल। टू व्होम यू वांट टू सेंड मेल? रोहन। रोहन, व्हाट यू वांट टू बी सब्जेक्ट? हेलो रोहन, हाउ आर यू? What should be the message? Rohan, subscribe to Code Terra. Code Terra. Okay, Terra hai, Terra kya? Email sent successfully. Dekho, aa gaya. Subscribe to Kotora. Arey yaar, ye Kotora, Kotora kya aa raha hai? Theek hai na, matlab yahan pe आप लोग थोड़ा स्पीच रिकॉग्निशन को उसको बेटर कर सकते हो। आपको उसके अंदर मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स मिलते हैं, वेरिएबल्स के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे और आपका स्पीच रिकॉग्निशन अच्छा हो सकता है, या फिर आप पेड वर्जन की तरफ जा सकते हो। यही दोस्तों होता है कि अगर आप नॉर्मल वर्जन यूज़ करते हो तो ये सब इश्यूज़ आते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बनाते बनाते दोस्तों एक घंटे के ऊपर निकल चुका है। अभी मैं एडिट करने के बाद जब मैं कट करूँगा और आपको कितना मिनट मिलेगा वो मुझे भी आइडिया नहीं है। आई थिंक आधे घंटे का हो जाना चाहिए वीडियो, देखते हैं मैं इसको एडिट करता हूँ। तो दोस्तों इतना मेहनत लगी है, अभी इसके बाद थंबनेल बनाना है, वीडियो को एसईओ करना है, बाकी चीज़ें करनी है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा ज़रा मेहनत का फल मिले, हम लोग को भी अच्छा लगता है, देख के मोटिवेट होते हैं और रोज़ नए वीडियो लाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपके दोस्त कोई अगर आईटी में है और जिसको प्रोग्रामिंग में अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग उसके साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।